बाबा तेरी मीठी मुरली की धुन सुन कर के मन हर्षाए रास रचाए साथ तुम्हारे झूम झूम दिल ये गाए हो झूम। ओम शांति। आज प्यारे बाप दादा के अव्यक्त मधुर महावाक्य हैं 22 सितंबर 2024 और रिवाइज डेट हैं 18 जनवरी 2002। आज की मुरली के सार में स्नेह के सागर बाबा ने कहा कि परमात्मा स्नेह में इतनी शक्ति है जो जीवन में कैसी भी परिस्थिति सामने आए उसमें भी सहजता का अनुभव कराती है। स्नेह हर बात को सहज भुला देती है। परमात्मा स्नेह में समाये हुए सदा माया की छाया से बचे रहते हैं। वह सहज ही माया जीत बन जाते हैं। फिर ब्रह्मा बाप समान प्रत्यक्ष स्वरूप बनने के लिए कहा कि बाप दादा सभी बच्चों से यही चाहते हैं कि बाप के प्यार का सबूत समान बन के दिखाओ। बाबा कहे सदा हर संकल्प समर्थ हो, अब व्यर्थ का समाप्ति समारोह मनाओ, क्योंकि व्यर्थ समर्थ बनने नहीं देता है। और कहा कि अभी समय की पुकार है, सर्व आत्माएं शक्तियों से बिल्कुल खाली हो गई है, शक्तियों की भिखारी बन चुकी है। इसलिए कहा है समर्थ आत्माएं सब आत्माओं को भिखारी पने से मुक्त करो। बाबा कहे हे मुक्तिदाता बच्चे, मास्टर मुक्तिदाता बन सबको दुखों से मुक्त करो। फिर कहा कि इस स्थिति से प्राप्ति क्या होंगी, स्वयं की छोटी छोटी बातों से स्वतः ही मुक्त हो जाएंगे। अब समय है आत्माओं की पुकार सुनने का, परेशान आत्माओं को सुख शांति की अंजलि देने का समय है। फिर लास्ट सो फास्ट बनने का प्रत्यक्ष स्वरूप बनने के लिए कहा कि अब 3 शब्दों के शिक्षा का स्वरूप बनना है, मनसा में निराकारी स्थिति, वाचा में निरहंकारी स्थिति, कर्मणा में निर्विकारी स्थिति। बाबा कहे सेकंड में साकार रूप में आओ, सेकंड में निराकारी स्वरूप में स्थित हो जाओ। और कहा यह अभ्यास सारे दिन में बीच बीच में समय निकाल कर करो कि मैं आत्मा इन साकार कर्म इंद्रियों का आधार ले कर्म कर रही हूँ। बाबा कहे निराकारी स्थिति करावनहार स्थिति है, निराकारी आत्मिक स्थिति में निराकार बाप स्वतः ही याद रहता है। बाबा कहे इस स्थिति में कभी कर्म बंधन में बंधेंगे नहीं, न्यारे रहेंगे, फंसेंगे नहीं, सर्व समस्याओं से मुक्त रहेंगे। सुनते हैं प्यारे बाप दादा के इन अव्यक्त अनमोल मधुर महावाक्यों को विस्तार से। आज बाबा ने वरदान दिया, दृढ़ता की शक्ति द्वारा सफलता प्राप्त करने वाले त्रिकालदर्शी आसनधारी भव। दृढ़ता की शक्ति द्वारा सफलता प्राप्त करने वाले त्रिकालदर्शी आसनधारी भव। स्पष्टीकरण है, दृढ़ता की शक्ति श्रेष्ठ शक्ति है जो अलबेलेपन की शक्ति को सहज परिवर्तन कर देती है। बाप दादा का वरदान है, जहाँ दृढ़ता है वहाँ सफलता है ही। सिर्फ जैसा समय वैसी विधि से सिद्धि स्वरूप बनो। कोई भी कर्म करने के पहले उसके आदि मध्य अंत को सोच समझ कर कार्य करो और कराओ, अर्थात त्रिकालदर्शी आसनधारी बनो, तो अलबेलापन समाप्त हो जाएगा। संकल्प रूपी बीज शक्तिशाली दृढ़ता संपन्न हो तो वाणी और कर्म में सहज सफलता है ही। आज बाबा ने सफलता मुहूर्त बनने की विधि बताई कि सफलता का आधार है दृढ़ता। दृढ़ता में श्रेष्ठ शक्ति है जो अलबेलेपन को सहज समाप्त कर देती है। और बाबा ने ऐड कराया कि जो भी कर्म करो उसके आदि मध्य अंत को सोच समझ कर करो, अर्थात त्रिकालदर्शी आसन पर स्थित होकर करो, और यही कर्म और वाणी में सहज सफलता दिलाएगा। आज का स्लोगन है सदा संतुष्ट रहे, सर्व को संतुष्ट करने वाले ही संतुष्ट मणि हैं। सदा संतुष्ट रहे, सर्व को संतुष्ट करने वाले ही संतुष्ट मणि हैं। आज 22 सितंबर के अव्यक्त इशारे हैं। आज बाबा कहे जब तक किसी में अंश मात्र भी कोई रस दिखाई देता है, असार संसार का अनुभव नहीं होता है, बुद्धि में यह नहीं आता कि यह सब मरे पड़े हैं, तब तक उनसे कोई प्राप्ति की इच्छा हो सकती है। लेकिन सदा एक के रस में रहने वाले एक रस स्थिति वाले बन जाते हैं। उन्हें मुर्दों से किसी प्रकार की प्राप्ति की कामना नहीं रह सकती, कोई विनाशी रस अपनी तरफ आकर्षित नहीं कर सकता।
आज बाबा ने जीते जी मरने की स्थिति का अनुभव करने के लिए कहा कि जब तक अंदर यह नहीं आता है कि यह संसार तो जैसे मृतक समान है, मुर्दे के समान है, और मुर्दे से कभी कोई इच्छा नहीं रख सकता है, लेकिन सदा एक बाप के रस में रहने वाले एक रस स्थिति बनाएंगे तो सर्व प्राप्ति संपन्न सहज बन जाएंगे। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया।